नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग जारी है और इस जंग का भारत पर शुरुआती प्रभाव मुद्रास्फीतिक दबाव यानी कि इन्फ्लेशन के रूप में आने की आशंका है। इसका कारण देश की आयातित कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल प्राइस पर निर्भरता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को ये कहा कि तेल और गैस और लौह और अलोह धातु जैसे क्षेत्रों को इस प्रवृत्ति से लाभ हो सकता है। वहीं जो क्षेत्र तेल पर निर्भर हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। इन क्षेत्रों में रसायन, अवरक, रिफाइनिंग और विस्फोट शामिल हैं। रेटिंग एजेंसी के अनुसार ये देखने वाली बात है कि लड़ाई कब तक चलती है और यूरोप के दूसरे भागों में फैलती है या नहीं। उसने कहा कि रूस ईंधन, रसायन और धातु का सबसे बड़ा निर्यातक है। G7 से ज्यादातर देशों ने रूस पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर दी है। इसके जरिए ऊर्जा को छोड़कर व्यापार को सीमित करने का लक्ष्य है। इक्रा ने मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, भू राजनीतिक तनाव का वृहत प्रभाव कच्चे तेल के दामों में तेजी से पड़ेगा क्योंकि भारत के व्यापार में रूस की कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम में तेजी के बावजूद 2022 में अब तक रुपया सीमित दायरे में रहा, लेकिन आने वाले समय में वैश्विक धारणा कमजोर होने के साथ ही अमेरिका डॉलर में मजबूती घरेलू रूप पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।